हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है परसिस्टेंट। एक अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर में, क्या काम करती है, इस कंपनी का आरओई थोड़ा सा अच्छा है। अगेन एक डिस्क्लेमर है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में लास्ट में एक में आपको बोनस टिप शेयर करने वाला होता हूं, जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा, उसके लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप चाहते हैं इस वीडियो मतलब इस कंपनी का एनालिसिस ना देखना, तो लास्ट पोर्शन आप ज़रूर देखें। आइए चलते हैं रिकॉर्डर पे। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है परसिस्टेंट। क्या करती है कंपनी, कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाती है, हम सारी चीज़ जानेंगे इसके। सबसे बड़ी चीज़ पहले देखें कि ये क्या है। वी आर हायरिंग मेक प्रेसिडेंट योर नेक्स्ट करियर स्टेट, वो तो शायद नहीं कोई एप्लीकेशन होगी। क्या क्या मानते हैं, हाउ टेक्नोलॉजी क्लाइंट सक्सेस, हाउ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैन ब्रिज द ट्रेड फाइनेंस गैप, ये कुछ अलग अलग इनकी वैल्यू जो इनके सामने दी हुई है, ये हम इजिली हम देख सकते हैं कि आखिर एक कंपनी का ग्रोथ कैसा है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इनके सर्विसेज हैं, थोड़े से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखेंगे कि डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी ये खुद डेवलप करते हैं। अब देखेंगे डिजाइन एंड इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विस है इनका। डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में ये काम करते हैं, इनोवेशन एक्सेलरेशन का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन का। और आप डिस्कस करें तो ये करते हैं डेटा ड्रिवन बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि इंटरप्राइजेस डेटा स्ट्रक्चर जो भी है आर्टिफिशियल है, डेटा स्ट्रक्चर है, इंटरप्राइजेस डेटा इनोवेशन है। और आप डिस्कस करेंगे तो इनकी एक और वैल्यू है सीएक्स ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्री सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, कस्टमर एनालिटिक्स। एंड आप डिस्कस करेंगे तो ये है इंटेलिजेंस, बिजनेस ऑटोमेशन, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मैनेज सर्विस, ये सारी की सारी सर्विस ये करती है। अब इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी को जो हम ऐप वगैरह यूज़ करते हैं बैंकिंग के, तो उनमें भी ये काम करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस जैसे डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे जीरो का ऐप हो गया, बनाती है कि नहीं बनाती है ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते, वैसी ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करके हेल्थ केयर सेक्टर में और इंडस्ट्रियलिस्ट में करते हैं। इनके देखेंगे इनके पार्टनर कौन कौन हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इनके पार्टनर हैं अराउंड IBM एक अच्छी कंपनी है, हमको पता है रेड हैट ये भी एक अच्छी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी कंपनी है, और इसके साथ सेल्सफोर्स एक अच्छी कंपनी है, AWS और Appian ये सारी अच्छी कंपनी जो इनके साथ मिली हुई है और ये इनके क्लाइंट है। ये काम क्या करती है, तो हमने डिस्कस किया कि कंपनी के ओवरव्यू हम देखने वाले हैं और हम ये चेक करने वाले हैं कि इसमें कंपनी ने क्या वो चीज़ मेंशन लिख रखी है, जो कि हमें जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी ने आखिर कहाँ से पैसे जनरेट करती है, ये तो हमने जान लिया। कंपनी का पार्टनर कौन से हैं ये भी जान लिया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि रियलिटी में ये जो परसिस्टेंट कंपनी है क्या है, इंडिया बेस्ड है कि नहीं है, कितना परसेंट इसका पार्टनरशिप है। तो एक चीज़ अगर हम देखें गौर से, तो इस कंपनी का अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें, तो व्हाट इज मीन टू बी परसिस्टेंट दिखा हुआ है, वी आर अ ट्रस्टेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस मॉडर्नाइजेशन पार्टनर कंबाइनिंग डीप टेक्निकल एक्सपर्टाइज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू हेल्प आवर क्लाइंट एंटीपिसेट व्हाट नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन बिफोर दे आर आस्क और ऑफरिंग एंड द प्रूवन सॉल्यूशन टू क्रिएट अ यूनिक कंपिटेटिव एडवांटेज टू आवर क्लाइंट बाई गिविंग देम द पावर टू सी बियॉन्ड द राइज। ये अलग अलग हैं, लेट्स वर्क टुगेदर, ये इनके कुछ फिलोसफी है जिन पे ये काम करते हैं। और हमने देखा कि ये हर सेक्टर में काम करते हैं, अराउंड 20-25 सेक्टर है जिनमें कि अपने ग्रोथ को मॉडर्न करते हैं। थोड़ा बहुत और जानेंगे कंपनी के बारे में, फिर हम इसके एनालिसिस करेंगे कि आखिर रियलिटी में एक कंपनी कितना वेल्थ क्रिएट कर रही है, कितना परसेंट इसकी ग्रोथ है, क्या मार्केट कैप है, क्या डिविडेंड यील्ड है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द स्ट्रेटजी सर्विस टू हेल्प कंपनी इंप्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज देयर बिजनेस। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए
काम आती है, इसको बोल सकते हैं कि अच्छा। दूसरा चीज़ क्या है कि इट हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड द फ्रेमवर्क विद प्री बिल्ड इंटोग्रेशन एंड द एक्सेलरेशन। इट हैज़ ऑल्सो द पार्टनरशिप विद द प्रोवाइडर सच एज द सेल्स फोर्स एंड द AWS। इसके पास दो पार्टनरशिप हैं जो कि सेल्स फोर्स एक कंपनी का नाम है और एक है AWS। इसकी पार्टनर हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट भी है, IBM भी है, रेड हैट भी है, खुद अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो इसके पार्टनर हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर और क्या करती है कंपनी। तो सबसे पहले एक चीज़ जो डिस्कस कर सकते हैं कि जो कंपनी है जिसके पास बड़ा ही फ्यू प्लेटफॉर्म है खुद का, जो कि प्री बिल्ड एंड प्रोवाइड क्विक इंटीग्रेशन। अब हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि दे हैव अ मल्टीपल पार्टनरशिप फॉर इंटीग्रेटिंग देयर प्लेटफॉर्म। खूब सारे पार्टनरशिप हैं। एक पार्टनरशिप जो आपके सामने दिख रहा है BFSI, ये क्लाउड बैंकिंग इंश्योरेंस सॉल्यूशन जैसे कि लोन मैनेजमेंट, क्लाइम मैनेजमेंट, हेल्थ केयर में है टूल्स एंड द मोबाइल हेल्थ केयर, और आप देखेंगे रेवेन्यू मैनेजमेंट और अदर इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनोवेशन सर्विसेज इनके सामने दिख रहे हैं। BFSI देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो कि 30% रेवेन्यू है हेल्थ केयर से है, 19% जो इनके मोर देन 52% जो रेवेन्यू जो है जो कि एक इनके हेल्थ केयर सेक्टर से आता है। अगर हम डिस्कस करें कि ये जो क्या और कहा करती है तो इसके पूरे वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है ये हम देख रहे हैं। तो ये जो कंपनी जो है इसका ग्लोबल प्रेजेंस है जो कि 17 कंट्री में है जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान में इसके प्रेजेंस हैं। नॉर्थ अमेरिकन रीजन में कंट्रीब्यूट टू 81% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिया रीजन इज वॉज इतना एंड द यूरोप वॉज इतना वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 1.5 ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अगर हम डिस्कस करें जो टेक्निकल सर्विस सेगमेंट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू विद 70% कंट्रीब्यूशन फॉलोड बाई द पार्टनरशिप ऑपरेशन जो कि 26% है, ये वैल्यू एक्सेलरेट करके 14% आपने कंपनी ने मेंशन कर रखा है। अगर हम डिस्कस करें कि अगर क्या है खास इसमें, और अगर हम डिस्कस करें कि कंपनी हैज बिन इंक्रीजिंग इट्स क्लाइंट्स बेस, नाउ द बिगेस्ट क्लाइंट अराउंड अकाउंट फॉर 5% ऑफ द रेवेन्यू। अब हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं इसमें कंपनी जो वर्क करती है विद IT मेजर सक्सेस जैसे कि AWS, IBM, Salesforce, Red Hat, Microsoft और Google, Snow और डिफरेंट इसकी कंपनी है। और इसका एक्विजिशन क्या क्या है, तो ये टेकिंग पार्ट इन द मेजोरिटी ऑफ द एक्विजिशन इट अराउंड 14 एंटिटी इन कंट्री लाइक USA, UK, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंडिया और इसके अलग अलग सेक्टर हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंपनी जो है आखिर इसका मार्केट कैप कितना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो कंपनी जो है MNC बोल सकते हैं और ये BSE और NSE दोनों पे ही लिस्टेड है और इसका नाम है प्रेजिस्टेंस, है ना, इस कंपनी का नाम है। इसका मार्केट कैप अब देखेंगे तो अच्छी खासी वैल्यू है, 23,000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी का जो करंट प्राइस जा रहा है स्टॉक्स का 3,096 जा रहा है, इस कंपनी का अभी तक हाई गया है 3,298 रुपीज़ गया है, यहाँ ये वैल्यू जा रहा है लो 950 इसका लो गया है। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स PE, इसका PE हम अकेले नहीं बोल सकते लेकिन हाँ हमें कंपेयर करना पड़ेगा, वो हम कंपेयर अभी करेंगे इसके कंपेटिटर के साथ। लेकिन अभी इसका P जो है 46.2 है। बुक वैल्यू होती है जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी पर शेयर कितना पैसा उस कंपनी को देती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू इसका है 366। डिविडेंड यील्ड अगर इस कंपनी का देखेंगे जो है 0.65%। इसका ROC इस कंपनी का देखेंगे जो है 21.2%। ROE देखेंगे इस कंपनी का जो है 16.1%। फेस वैल्यू इस कंपनी का पता है ₹10 है। पैग वैल्यू अगर हम देखेंगे पी बाई ग्रोथ रेशियो जो एक अच्छी वैल्यू है जो कि है 4.46। और हम देखेंगे डेट इस कंपनी का देखेंगे जो हमें दिख रहा है 98.4 करोड़ का इस कंपनी के पास हमें डेट दिख रहा है। ROE देखेंगे इस कंपनी का जो कि 16% है।
डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे जो कि 0.04 है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। आरओई देखेंगे जो कि 6% है। क्विक रेशियो देखेंगे इस कंपनी का, जो हमें साफ साफ दिख रहा है ये क्विक वैल्यू इस कंपनी का 55.3 है। और टर्न ओवर अगर आप देखेंगे 3 ईयर का, जो कि है 53.6% इसका टर्न ओवर है। डिस्कस करेंगे इसके बाद क्या खास है इस कंपनी में और फिर हम आगे चलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डिविडेंड यील्ड कंपनी का पता है, फेस वैल्यू पता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता है, एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी का हमें पता है और बुक वैल्यू भी हमें इस कंपनी के बारे में पता चलेगा। अच्छी चीज़ क्या है कि इसका आरओई डिसेंट वैल्यू है, इसका पैग रेशियो बिल्कुल ग्रोथ इस कंपनी का अच्छा हो रहा है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 15-16% से ऊपर है, यही हम इससे उम्मीद भी करते हैं। ये वैल्यू वाली वैल्यू भी इस कंपनी के लिए अच्छी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है खास इसके अलावा इस कंपनी में। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी में, अगर सेल्स अगर हम देखेंगे तो सेल्स जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अगर हम देखेंगे ये वाली वैल्यू, अगर आप देखेंगे 5 ईयर में, तो 5 ईयर में भी वैल्यू ये वाली इंक्रीज होती हुई जा रही है। आपको 3 ईयर में मैंने आपको दिखाया ये वाली वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो हम देखने वाले हैं, अगर हम 1 ईयर की बात करें, ये वाली वैल्यू इसके लिए भी इंक्रीज हो रही है। तो आप 1 साल की, आप 1 ईयर की बात करें या आप बात करें, आप इसको ड्यूरेशन को बढ़ाएं, इसका जो एग्जैक्ट जो ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक कंपनी के बारे में प्लस पॉइंट है। हमें डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या है खास इस कंपनी के बारे में। तो ये जो सबसे जो अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी जो है डेट फ्री है। अब डेट फ्री से हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के पास मैनेजमेंट टीम अच्छी होगी और उनका एक पर्पस है जो कि वो चाहते हैं कि डेट को रिमूव करना एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। एक अच्छी चीज़ और हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने जितने भी इनके पास जो डेट है ये टाइम टू टाइम इन्होंने कम करने का कोशिश किया है, जो कि एक हमारे लिए प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी जो ने जो भी काम किया है, इन्होंने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पे आउट जो है अराउंड 25% का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड इन कंपनी का है 25.15, इसका कंपनी जो है ऑलमोस्ट फ्री है और इस कंपनी का जो सेल ग्रोथ जो है जो कि 17.45% है लास्ट 10 ईयर में, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। इसका जो स्टॉक प्राइस जो है जो कि ट्रेडिंग हो रही है 8.46 टाइम इसके इनिशियल शेयर प्राइस से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसके कंपटीटर, कौन कौन है इसके कंपटीटर। चलिए देखिए किस कैटेगरी में कंपनी काम आती है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। और हम डिस्कस करें कि इसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी है, ओरेकल सर्विस है, टाटा है, इसका परसिस्टेंस है, हैप्पीस्ट माइंड है इसका, तो ये सारे में चीज़ देखेंगे। तो इनका पी रेशियो इनके कंपेयर में, क्योंकि देखिए सबकी प्राइस अलग अलग है तो हम ऐसे तो जज कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका पी रेशियो हम देखेंगे तो एवरेज एक अच्छी वैल्यू हम मान सकते हैं। ये सारी की सारी मिड कैप कंपनियाँ हैं, डिविडेंड सबने दिया है, इनका भी डिविडेंड हमारे सामने है। नेट क्वार्टर इसका वो टर्नओवर देखें 150 करोड़, जो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी या जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा होगी उनकी टर्नओवर भी ज़्यादा है। अगर हम डिस्कस करें कि इसका क्वार्टर प्रॉफिट कितना होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सेल्स में फ़ायदा कितना होता है, इसका आरओसी कितना है, ये भी हमने डिस्कस किया। आरओसी कंपनी जो कि ए प्रसिस्टेंट जो है 21.20% ये अपना आरओसी लाकर देती है, तो मतलब इस कंपनी का आरओसी तो इंक्रीज कर ही रहा है। और बाकी जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसका करंट मार्केट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंपनियों से वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सेल्स के बारे में क्या ओपिनियन है। देखिए क्वार्टरली जो अगर आप सेल्स देखेंगे इस कंपनी का, तो स्टार्टिंग में सेल्स था 836 और इसके जो वैल्यू थे 864 और इसके बाद जो वैल्यू थे, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 832 करोड़, और ये जो वैल्यू है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारे सामने इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 101,008, यहाँ पे वैल्यू है
1,075, 1,113, 1,213 करोड़ की वैल्यू है। एक्सपेंसेस कंपनी का देखेंगे, ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखेंगे, ये वाली वैल्यू भी हमारे सामने इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डिस्कस करें कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है, 127 करोड़ है, 130 करोड़ है, 111 करोड़ है, 110 करोड़ है, 116 करोड़ है, 203 करोड़ है, ये वैल्यू हम इजीली चेक कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखें, जो हमें वैल्यू दिख रहा है 90 करोड़, 102 करोड़, 101 करोड़, ये वैल्यू अप टू डेट हम देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी के पास आता हुआ आ रहा। मतलब यही है कि इस कंपनी का जो सेल्स है ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है इसका। जैसे भी आप अगर देखेंगे तो इसके ग्रोथ ज़्यादा हो रहे हैं सालों दर साला, और यही रीज़न है कि सालों दर साल अगर इसका ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। ये वीडियो केवल आपको इस बताने के लिए डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। एक चीज़ और, हम अगर आप गौर से देखेंगे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है कि अगर हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं और क्या है खास, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि 2010 में कंपनी के पास जो सेल्स जो थी वो थी 601 करोड़, और जैसे ऐसे साल और इसी साल इसके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी ये थी 146 करोड़, और इसके पास जो अदर इनकम जो थी हमें साफ साफ दिख रहा है ये है 11 करोड़, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो है 124 करोड़। इसका नेट प्रॉफिट हमने डिस्कस किया, इसका डिविडेंड इस कंपनी का 9%। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें, अगर 10 साल की बात करें तो ये है 18%, 5 ईयर की बात करें वो है 13%, 3 ईयर की बात करें वो 11%। मतलब इसमें ग्रोथ अच्छा खासा हमें दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें यह है 12%, यह है 10%, यह और इसकी वैल्यू 47% है। इसके 10 ईयर में जो वैल्यू देखें इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी की 17%, इसकी 5 ईयर में देखें 15%, और 3 ईयर में आप जो अगर वैल्यू देखेंगे ये हमें दिख रहा है जो कि दिख रहा है 15%, जो कि हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू भी हमें नज़र आ रही है। 2010 से 11 में बात करें हमें बढ़ी हुई नज़र आ रही है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, सेल्स इस कंपनी का टाइम द टाइम इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक अच्छा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी को चेक करने का। अच्छी चीज़ क्या है कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे वो है 146, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो है 158, और यहाँ पे है 224 करोड़, यहाँ पे है 313 करोड़, एक ये अच्छी वैल्यू है। चलिए अगर हम डिस्कस करें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी का कितना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हर साल जो है प्रीवियस ईयर से इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। ये हम इजीली इसके थ्रू देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसका इस कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंपनी टैक्स भी पे करती है तो इसके टैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग लगते हैं। टैक्स अगर देखें तो टैक्स जो कंपनी दे रही है जो कि अराउंड 7.25% इसकी दे रही है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये वाली कंपनी भी, इसकी प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हुई, ये हमें देख रहे हैं कि इस कंपनी के पास प्रॉफिट भी अच्छा है। प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छा है, और एक्सपेंसेस अच्छे हैं, और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी है, एक चीज़ हम इजीली देख सकते हैं। डिविडेंड देखेंगे इस कंपनी का, डिविडेंड कंपनी देती है जो कि एक अच्छी वैल्यू है। नेट प्रॉफिट हमें इस कंपनी के बारे में पता है, टैक्स पता है, प्रॉफिट पता है, इंटरेस्ट पता है, अदर इनकम पता है, ऑपरेटिंग पता है, एक्सपेंसेस पता है, और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ कितना होगा तो 18%, ये देखेंगे 5 ईयर में 13%, 3 ईयर में 11%, ये सेल्स ग्रोथ जो है जो हम इजीली देख सकते हैं। अगर 11 से 12 की बात करें, सेल्स में ग्रोथ हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। अदर इनकम देखें ये भी सेम है, और इसका अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें जो है 197 करोड़, नेट प्रॉफिट देखें जो है 142 करोड़, और इसका डिविडेंड देखें ये भी डिविडेंड इसका अच्छा है। अगर हम बात करते हैं 2013 में कितना का कंट्रोल हो रहा है, हम देख रहे हैं 1295 करोड़ का सेल्स एक्सपेंस हुए हैं,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 313 करोड़ के हैं और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखेंगे ये वाली वैल्यू भी बढ़ी हुई है जो कि वैल्यू है 263 और हम देख रहे हैं डिविडेंड इस कंपनी का है 19। एक चीज़ और जो डिस्कस करना चाहेंगे, अगर 2012 की बात करें तो इसमें भी ये वाली वैल्यू इनका इंक्रीज हुआ है। 15 की बात करें जो कि 1891 ये वैल्यू डिस्कस करें, ये वाली वैल्यू भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है जो कि है 390 और ये जो वैल्यू है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 390 करोड़ और ये वाली वैल्यू जो डिविडेंड दे रही है जो कि है 41 करोड़। एक चीज़ देखें, 2016 में इस कंपनी का ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये हम इजीली चेक कर सकते हैं। और अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी में कि और 2018 की बात करें 3034 इसका है, इसका प्रॉफिट जो है 469 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे हैं जो कि 429 है, ये नेट प्रॉफिट इस कंपनी का है 323 है और डिविडेंड आपको दिख रहा है 25% का है। अगर 19 की बात करें तो इस कंपनी के पास जो दिख रहा है आपको सेल्स जो कि 3366 है, एक्सपेंसेस इस कंपनी के बढ़े हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी कंपनी की है 556 और इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें दिख रहा है जो है 486 और इस कंपनी का जो टैक्स जो दे रही है वो दे रही है अराउंड 28%। और ये इस कंपनी का EPS वो भी हमें दिख रहा है जो कि एक शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ये पे कर रहे हैं इसकी वैल्यू है 43.96। 2010 में जो इनकी मार्केट कैप जो थी जो हमें दिख रही है 3566, एक्सपेंसेस दिख रही है 3074 और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था ये हमें दिख रहा है 454, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ये दिख रहा है 340 रुपीज़ और इसका डिविडेंड यील्ड भी 27% हमें इधर ही दिख रहा है। 2021 में की बात करें तो 400 करोड़ है और इसका एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो कि है 3505, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 683 है, इसका ये जो OPM जो देख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं कि या मैनेजमेंट से जो भी है 60% बढ़ा हुआ है, ये डेटा आपको बहुत कुछ इंडिकेट कर देगा कि आखिर जो कंपनी एक साल में एक लेवल 2010 की बात करें इस लेवल से और यहाँ पे आई तो कितना परसेंट का इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। इनिशियल में इसके पास जो वैल्यू जो थी वो थी 601 करोड़ और अभी इसके पास वैल्यू है अराउंड 4188 करोड़, इतना का इसमें इतना टाइम्स जो वैल्यू जो है इंक्रीज हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम डिस्कस करें एक्सपेंसेस में तो एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाला है इस कंपनी का जो हम इजीली देख सकते हैं, अदर इनकम भी बढ़ने वाला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे ये वाली वैल्यू भी हमारे सामने इजीली बढ़ने वाली है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि हम देख रहे हैं जो कि 690 करोड़ के अराउंड है ये वाली वैल्यू उसमें बढ़ रही है। एक चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि इसका नेट प्रॉफिट इस कंपनी का अभी तक का कितना गया है, तो प्रॉफिट जो है टाइम द टाइम प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट जो है किसी भी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है जो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट हम मान सकते हैं। हम देखेंगे EPS अर्निंग पर शेयर ये वाली वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है जो हम अच्छे इसमें से डेटा से देख सकते हैं। जो अच्छी बात है क्या है अभी इस कंपनी के बारे में, अब हम चार सेक्शन में बात करने वाले हैं। सबसे जो पहला सेक्शन है हम देखेंगे कि इस कंपनी के पास ROE कितना है, ROE इस कंपनी का हम देखेंगे तो जो कि है 17%, 5 ईयर में देखेंगे जो कि है हमारे पास आराम से वैल्यू दिया हुआ है ये है 15% और अगर हम बात करें 3 ईयर में जो कि वैल्यू हमारे पास है 15% जो कि एक अच्छी वैल्यू हम देख रहे हैं कि ROE इज ग्रोइंग ROE जो है इस कंपनी का ROE इज ग्रोइंग। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो जो एक अच्छा अनुमान हम लगा सकते हैं जो कि अच्छा एक इंडिकेशन है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिटेड ग्रोथ देखेंगे तो 10 ईयर में जो ग्रोथ हो रहा है उस कंपनी का जो 12% हो रहा है और 5 ईयर में हो रहा है जो कि आप इजीली देख सकते हैं 10% हो रहा है और 3 ईयर में जो ग्रोथ जो हो रहा है इस कंपनी का
जो कि 10% हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कितना है, तो वो हम इजीली देख सकते हैं जो कि 18% है। 5 ईयर में इस कंपनी ने 13% जो कंपाउंडेड, और 11% ग्रोथ किया है। अच्छी बात यह क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है कि ए सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर ए इसका ही पार्ट है। हम प्रॉफिट देखिए, दोनों में एक अच्छा प्रॉफिट इसका ज़्यादा अच्छा हुआ हमें नज़र आता हुआ लग रहा है। अब हम चलेंगे इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या है, इसका शेयर कैपिटल चलिए इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ, डिक्रीज़ किया, फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन रिजर्व जो है इस कंपनी का बढ़ रहा है। मतलब पहला पॉइंट हमें मिल गया जो है प्लस पॉइंट, बोरोइंग इस कंपनी की थोड़ी सी बढ़ रही है, ये भी दूसरी पॉइंट है। और हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और फिक्स एसेट इनका बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। टोटल अगर फिक्स एसेट की बात करें, ये जो है अराउंड 3,666 करोड़ अमाउंट का इनके पास टोटल फिक्स एसेट है। तो हम जो क्या डिस्कस कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी, हम डिस्कस कर सकते हैं 2010 में, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 कि इनमें हर साल रिजर्व इनका बढ़ रहा है, इन कंपनी का रिजर्व इंक्रीज कर रहा है। हम देख सकते हैं इनके पास जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है, इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, और जो इनके पास अदर एसेट है, टोटल एसेट जो है ये इंक्रीज कर रहा है। एक एक खास है इस कंपनी के बारे में जो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है जो हम इजीली देख पा रहे हैं, रिजर्व इसका इंक्रीज कर रहा है। हम टोटल लायबिलिटी हम देख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और हम इसको इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे टोटल एसेट वैल्यू, टोटल इसका देखेंगे तो हर सालों दर सालों हर इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। एक अच्छी चीज़ जो हमें हमेशा चेक करने में मदद करती है कि कंपनी का इंटरेस्ट जो है कैश फ्लो में कैसा है। देखिए, दुनिया में कोई भी बिजनेस कीजिए, जब तक आपके पास कैश आपके हाथ में नहीं होगा वो बिजनेस अच्छा आप मान नहीं सकते। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, जो कि ROCE जो है, वो वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। जैसे इसका अगर आप डिस्कस करेंगे कि ये जो वैल्यू है 24% का, 28% का, ये हर साल उधर साल, अगर आप इसकी बात करें, अगर 24% और एक 29%, तो ये जो वैल्यू जो है ये मोर देन एक जो बैंक देती है और बाकी जो इनके ग्रोथ होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसका क्या इसका कैश फ्लो। ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत कुछ कंपनी के बारे में बता देता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कंपनी को मिला स्टार्टिंग में 124 करोड़ मिला, और आज के टाइम में इस कंपनी के पास जो टर्नओवर बढ़ गया 736 करोड़ हो गया, जो कि एक अच्छी वैल्यू है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। 2011 में इस कंपनी के पास थे टोटल 158 करोड़, और अभी के टाइम में इस कंपनी के पास है, आप देख रहे हैं इजली कि जो है हमारे पास वैल्यू 172 करोड़ है, और मार्च में हम देखेंगे तो जो कि है 200 करोड़ हमें इजीली देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू देखें जो कि है 2014 में 281 करोड़ है, और ये जो वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम देखेंगे इजीली वैल्यू इनकी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से हम देखेंगे ए वाली वैल्यू भी उतना पॉजिटिव नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये तो इन्वेस्ट कर रही है, तो ये कंपनी पूरा ही काम करती है कैश फ्लो पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, ये भी आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न। अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखिए जो मिड कैप में है, इनमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देखेंगे कि इसका मोर देन 30% जो है, और ये जो वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज करती हुई हमें नज़र
आ रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। फॉरेन इन्वेस्टर जो कि ये भी इसमें थोड़ी सी रुचि दिखा रहे हैं, जो कि 19% है। DII अगर देखेंगे जो कि जो वैल्यू हमारे पास साफ साफ दिख रहा है ये है 29.17%। पब्लिक वैल्यू अब देखेंगे जो है 17.7, और जो अदर वैल्यू है जो कि दिख रहा है 2.40, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। तो मतलब इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा की तरह ये इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। हम इजीली इसमें देख सकते हैं शेयर होल्डर पैटर्न क्या है और कैसे कैसे काम कर रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे लिए है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न हमें पता है कितना कितना इंक्रीज किया है, FII पता है, DII पता है, पब्लिक एंड द अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें इस कंपनी के बारे में पता चल गई। अब हम चलने वाले हैं और समरी करने वाले हैं और क्या क्या कंपनी के बारे में हमने ओवरऑल ग्रोथ देखा। ये कंपनी है जो कि हमने डिस्कस किया था क्या क्या डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या क्या इनकी सर्विसेज है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है ये भी, और इनके इनसाइट तो हमने डिस्कस किए, पार्टनर के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो ये सारी बातें इस कंपनी के लिए है, आप क्या सोचते हैं। अगेन मैं बोलूँ ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बस आपको ये सिखाना था या वह बताना था या थोड़ा सा आपको दिखाना था कैसे चेक करते हैं किसी का बैलेंस शीट जो कंपनियां ग्रोइंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर ये सब आपको पसंद आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं अच्छा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ इसमें अच्छा है, डेट थोड़ा सा कम है, मतलब ये अच्छी बात है। एट लास्ट अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टॉपिक अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करें। आप चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस तो उसको आप कमेंट ज़रूर करें, हम या हमारी टीम उस कमेंट को रिव्यू करके, कंपनी को रिव्यू करके अगर अच्छी कंपनी हुई तो उसको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।